हेलो गाइस, आज हम वूलन कुर्ते की कटिंग करेंगे। ये जो स्टफ़ है ये वूलन में है और इसमें फ़र है, छोटी छोटी फ़र है इसमें। तो आज हम इसकी कटिंग करना बताएंगे कि जिस स्टफ़ में फ़र होती है उसकी कटिंग हमने कैसे करनी होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वुलन का जो स्टफ़ होता है उसका अर्ज बड़ा होता है, तो ये बड़े अर्ज में है। तो ये कपड़े को मैंने डबल लेयर में फोल्ड किया हुआ है। जितना भी आप घेर चाहते हो उतना घेर लें और कपड़े को डबल लेयर में फोल्ड करें। ये फर वाला स्टफ़ है, इस कपड़े में छोटी छोटी फर है तो हमने फर का पूरा ख्याल करना है। ये जो फर होती है ये नीचे इसका मुँह घेर वाली साइड होना चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर आप ऊपर की तरफ इस साइड घेर करते हो तो ये फर जो है ऊपर की तरफ उठ जाएगी और अच्छी नहीं लगती। आप अपने हिसाब से लंबाई चौड़ाई ले सकते हो। इसका घेर है जो वो तैयार 20 है तो हमने 22 से लिया है, 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है जो फोल्ड में आएगा। तो अब हमने कपड़े की कटिंग करने के लिए इसे 4 लेयर में फोल्ड करना है। बंद साइड से हमने कटिंग नहीं करनी, जो भी कटिंग करनी होती है, जो भी निशान लगाने होते हैं हमने खुली साइड से लगाने होते हैं। लेंथ 42 तैयार है तो हम 44 लेंगे, इधर से भी हमने 44 लेना है। निशान को हमने सीधा करना है, 6.5 मोटा 7 इंच, इधर से भी हम 6.5 लेंगे। निशान को हमने सीधा करना है और बीच में से हमने 1.5 इंच की गुलाई देनी है। ब्रेस्ट 37 इंच है तो 1 इंच हम कम लेंगे, क्योंकि इस कपड़े में स्टैच है तो हम 1 इंच कम लेंगे, 35 लेंगे। 35 का चौथाई कोने में आएगा। कमर 14 पे लेनी है, कमर 31 है तो 1 इंच हम कम लेंगे, 30 का चौथाई 7.5 आएगा। हिप 22 पे लेंगे, आप 21 पे भी ले सकते हो। हिप 40 इंच है तो हम 39 लेंगे, 39 का चौथाई 10.5 आएगा। ब्रेस्ट वाले निशान को हमने कमर से मिलाना है और कमर वाले निशान को हमने हिप से मिलाना है। इससे हम 2 इंच लेंगे, कमर से 1.5 इंच और यहाँ से हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। अब जैसे जैसे हमने निशान लगाए वैसे वैसे हमने कटिंग करनी है। आधा इंच डाउन करेंगे मोटे वाली साइड से और जितना चौड़ा हमने गला बनाना है 2.5-3 उतने पे निशान लगाना है। इस आधे इंच को हमने इससे मिलाना है, यहाँ हम 1 इंची शेप देंगे। अब हमने कटिंग करनी है, इस निशान को हम डार्क कर देंगे। अब हम बैक और फ्रंट साइड को अलग करेंगे। फिटिंग का निशान हमने इस तरफ भी लगाना है तो कपड़े को हमने डबल करना है और हमने हाथ से प्रेस करना है तो निशान दूसरी तरफ भी लग जाते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है निशान लगाने का। अब हमने इसको डार्क कर लेना है। अब हमने फ्रंट 2 लेयर में 1.5 इंच की काट डालनी है आरम मोल में। हमने ऊपर से यहाँ से कटिंग नहीं करनी, बिल्कुल नोक की साइड से हमने फ्रंट 2 लेयर की आर्म होल की कटिंग करनी है। सेंटर से हम कट करेंगे, हम फ्रंट गले की कटिंग करेंगे। गले की चौड़ाई 2.5-3 इंच, लंबाई 6.5 इंच, इधर से भी 2.5 लेंगे हम। गला हमने स्वीट आर्ट बनाना है, 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा करेंगे और इस 4 इंच को हमने यहाँ नीचे मिलाना है।
अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बैक गले की हमने कटिंग नहीं करनी, पीछे हमने बैल लगानी है बैक गले में। सेंटर से हम यहाँ कट करेंगे बैक गले के। अब ये शर्ट में से बचा हुआ कपड़ा तो इसकी हमने बाजू बनानी है, तो बाजू की जो लंबाई तैयार है वो 19 इंच है, तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे जो मार्जिन में आएगा। टोटल कपड़ा हम 21 इंच लेंगे, 21 इंच को हमने डबल करना है। ये दो बाजू का कपड़ा है, तो अब हमने दोनों बाजू की कटिंग अलग अलग करेंगे, क्योंकि अब हमने इस फर का ख्याल करना है। बाजू काटते वक्त ये जो फर का मुंह है ये नीचे बाजू मोरी वाली साइड होना चाहिए, तो कपड़े को हमने डबल करना है। बाजू की मोरी है 4.5 इंच, तो आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे जो मार्जिन में आएगा। 3 इंच हम डाउन करेंगे मोटे वाली साइड, इस 3 इंच को हमने 4.5 इंच से मिलाना है। यहाँ से हम गोलाई देंगे आरम मोल की। बाजू की कटिंग हमने कर ली है, अब हमने फ्रंट लेयर में 1.25 इंच की काट डालनी है, तो वो भी हमने इसकी 1.25 इंच की कटिंग भी कर दी है। फ्रंट दो लेयर इधर से भी और इधर से भी, फ्रंट दो लेयर की हमने वुलन कुर्ते की कटिंग हो चुकी है। ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है और ये बाजू है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।